सपना जल्दी करो। हाँ आई। आज फिर नौकरी ढूंढने जा रहे हो? श्याम, तुम्हारे दोस्त की बड़ी फैक्ट्री है, उससे बात करके देखो। अरे श्याम, कैसा है मेरे भाई? आजा बैठ यहां पे। मुझे जस्ट मिनट, अंदर दो कप चाय भेजना। और भाई कैसा है, बढ़िया है ना सब? ठीक है, पर वो मतलब हाँ बोल, वो प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ बोल। नौकरी चाहिए थी मुझे। नौकरी? और तुझे? अरे भाई क्लास का टॉपर था यार तू। वो ठीक है, पर अभी जरूरत थी नौकरी की, इसके लिए चाहिए थी नौकरी। अरे भाई खुद का बिजनेस कर। बिजनेस? सही बोलूं तो बहुत तमन्ना है यार, पर कुछ समझ नहीं रहा, क्या करूं? अरे कुछ सोच, ढूंढ ले, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। माँ, पिताजी, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। मतलब एक मशीन है, मैंने देखा है, उससे पानी की टंकी बना सकते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हैं, और हाँ खेती के औजार भी बना सकते हैं। एक 7 से 8 लाख में आ जाएगी मशीन। लेकिन क्यों झंझट करना? थोड़ी बहुत जमीन है हमारी, उससे हो जाएगा गुजारा। आपकी उम्र निकल गई गुजारा करने में, पर मेरे भी कुछ सपने हैं यार। मुझे भी अनुज जैसा बनना है, कुछ करना है। मां तुम बोलो ना पिताजी को। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जिंदगी की जमा पूंजी 1.5-2 लाख होंगे बस। हाँ तो ठीक है ना, बाकी के मैं बैंक से लोन ले लूंगा। ठीक है, करो जो करना है सो। आपका प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है, पीएम ईजीपे में आपका लोन 100% हो जाएगा। थैंक यू सर। इतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट, आप शहर में न करते हुए गांव में क्यों करना चाहते हैं? एक्चुअली सर, गांव में खुद की जमीन है और लेबर चार्जेस भी नहीं लगेगा। शहर से बेहतर तो गांव है सर। शहर में सिक्योरिटी रखना पड़ेगी, पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो गांव में ज्यादा बिकेगा सर। अब तो सड़कें भी सब अच्छी हो चुकी है, तो मेरा प्रोडक्ट मैं कहीं पर भी पहुंचा सकता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड।
ये रास्ते बुलाए तुझे, वो मंजिले पुकारे तुझे, ये रास्ते बुलाए तुझे, वो मंजिले पुकारे तुझे। जरा तू हाथ बढ़ा ले, खुल जाए बंधन सारे, जरा तू हाथ बढ़ा ले, खुल जाए बंधन सारे। मेहनत से मिलती है इंसान को मंजिल, जिद पे अड़ जाए तो सब कुछ है हासिल। मिल जाएगी मंजिल, बन जा तू काबिल, जिद पे अड़ जाए तो सब कुछ है हासिल। सपने हैं जो पूरे करने हैं, लगा दे सारी शक्ति दुनिया नई बनाने में, तेज धार बुद्धि से हल कर ले हर मुश्किल। जिद पे अड़ जाए तो सब कुछ है हासिल, सब कुछ है हासिल, सब कुछ है हासिल, सब कुछ है हासिल। एक मशीन से शुरू हुआ यह सफर आज बड़ी फैक्ट्री तक पहुंचा है। वेलकम वेलकम, कैसी लगी मेरी नई फैक्ट्री अनुज? अरे भाई मैं क्यों? तेरी वजह से तो हुआ ये सब। हाँ बेटा। हाँ, ये सब कुछ इसी मशीन में बनाया गया है। ये 1000 लीटर की टंकी, ये बाकी के टैंक, ये स्प्रे टैंक, फ्लावर पॉट, ये पैलेट्स, सब कुछ। ये पैलेट्स भी? हाँ। अरे भाई मैं हर साल 3000 पैलेट्स बाहर से मंगाता हूँ, क्यों ना मैं मेरी इंडस्ट्री के लिए मशीन खरीद लूँ? बिल्कुल। कहाँ से ली है, जापान या जर्मनी से? अरे भाई ये मेड इन इंडिया की मशीन है। इंडिया? हाँ। इंडिया में कहाँ से भाई? ये विनोद राय इंजीनियर्स की वर्ल्ड क्लास मशीन है। विनोद राय इंजीनियर्स? हाँ। लेकिन वहां से क्यों? क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, और हाँ इसे जगह भी कम लगती है, और सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी में काम हो जाता है, और इसे कोई भी चला सकता है, इवन मेरी माँ तक। वाह। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे बहुत कम मेंटेनेंस लगता है। वाह भाई वाह। अरे गांव में रहकर भी तुम आत्मनिर्भर बन गए हो। हाँ। इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों से पूरा भारत देश आत्मनिर्भर बन सकता है। कुल बिल्कुल। फिर तुमने क्या सोचा? यस, मैं भी विनोद राय इंजीनियर से ही मशीन लूंगा। क्या बात है। बुलाए तुझे, वो मंजिले पुकारे तुझे, जरा तू हाथ बढ़ा ले, खुल जाए बंधन सारे, जरा तू हाथ बढ़ा ले, खुल जाए बंधन सारे। मेहनत से मिलती है इंसान को मंजिल, जिद पे अड़ जाए तो सब कुछ है हासिल। मिल जाएगी मंजिल, बन जा तू काबिल, जिद पे अड़ जाए तो